بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी रहमत के में रखे आमीन सुमा आमीन आज जो पिज्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसी रेसिपी ना तो आपने कभी यूट्यूब पे देखी होगी और ना ही कभी आपने ये वाला पिज्जा खाया होगा तो बहुत डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूंगी चीज सॉस भी आज घर पर बनाएंगे चीज के बगैर बनाएंगे इसकी बहुत मजेदार सी डो भी घर पर रेडी करेंगे फटाफट से कोई घंटों आपको इसको वेट नहीं करना पड़ेगा तो आइए बिजरिम रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने दो अदद जो बची हुई हमारी ब्राउन ब्रेड्स होती हैं किनारे वो तोड़ के शामिल किए और वन फोर्थ कप सूजी शामिल कर दी और वन फोर्थ कप ही मैदा शामिल कर दिया बहुत मज़े की झटपट बनेगी वन फोर्थ कप सूजी थी वन फोर्थ कप मैदा था दो अदद ब्रेड के स्लाइसिस से जो किनारे बचे हुए होते हैं या ब्राउन ब्रेड जो टॉप पे होती है वो और इसके बाद आधा कप पानी वो सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको पाँच मिनट का रेस्ट दे देना है ताकि सूजी फूल जाए चलिए जल्दी से फिलिंग बना लेते हैं इसके लिए वन टेबल स्पून ऑयल में चिकन ऐड कर दिया चिकन को आपने दो मिनट तक सौटे करना है ताकि कलर इसका चेंज हो जाए और इसके बाद आपने इसमें एक मैंने रेड चॉप की हुई मिर्च वो शामिल कर दी उसको शामिल करने के बाद आपने दोबारा से उसको दो मिनट कुक करना है फिर आपने इसमें नमक हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च वो शामिल कर देनी है उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट सा हो जाए और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें टिक्का मसाला शामिल कर देना है वन टी स्पून आपने चिली गार्लिक सॉस वो ऐड कर देनी है बस अब आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है इतनी देर आपने इसको कुक करना है कि पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारा गल जाए साथ ही थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया था ताकि फिलिंग बहुत अच्छी सी अच्छा सा कलर अच्छी सी लुक आ जाए इस पर और ये हमारी फिलिंग रेडी है अब चलते हैं चीज़ सॉस बनाएंगे घर पर बग़ैर चीज़ के सीक्रेट क्या चीज़ है जी हाँ ये है मेरे पास वन टेबल स्पून सागुदाना ये एक पैन में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पानी वन टेबल स्पून सागुदाना है तो एक कप भर कर आपने पानी का शामिल कर देना है इसके बाद आपने इसको कुक करना शुरू करना है आपको पता है इस सागुदाना में नेचुरली एक अलास्टिसिटी होती है जो हमें चीज में जो एलस्ट्रीसिटी चाहिए होती है उसका काम देगी आपने इसको 10 मिनट तक कुक करना है यहाँ तक कि ये अच्छा सा ठीक सा पेस्ट बन जाए तो ये देखेंगे सागुदाना कुक हो चुके हैं अब इसको फ्लेम बंद कर देंगे बहुत मेहनत के साथ मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपीज शेयर करती हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इसके बाद वन टेबल स्पून ऑयल में आपने वन टी मैदा शामिल करना है उसको दो मिनट तक आपने कुक करना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए फिर आपने इसमें हाफ़ कप दूध शामिल कर देना है और जैसे ही मैदा और दूध मिक्स हो जाएंगे तो जो हमने सागुदाना बनाया था उसको आपने ब्लेंड करके शामिल करना है याद रहे आपने इस तरह शामिल नहीं करना है इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है और फिर आपने इसमें शामिल कर देना है तो ये देखें जैसे ही ये इसमें गया आप देख सकते हैं कि ये फ़ौरन से गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है और इसमें आपको एक तार सी भी नज़र आ रही होगी फिर आपने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देना है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल कर देनी है नमक और ब्लैक पेपर शामिल कर देना है ताकि चीज़ में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और चूल्हा बंद कर दें इसको ठंडा कर लें इसके बाद चलते हैं डो की तरफ अब इसमें वन फोर्थ कप मैदा आपने और शामिल करना है और इसमें आपने थोड़ा सा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर वन फोर्थ टी स्पून वो भी शामिल करना है वन फोर्थ टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर लाजमी शामिल करना है डो को नीट करते वक्त अच्छी तरह से डो को नीट कर लेना है तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके बाद आपने इसको मार्क कर लेना है अब चलते हैं यूनिक जो स्टाइल है इसको आपने गर्मा गर्म तेल में फ्राई करना है इस डो को जी हाँ है ना हैरान कन ये पिज़्ज़ा ये होगा हमारा फ्राइड पिज़्ज़ा इसकी बेस को आपने फ्राई कर लेना है मेक श्योर ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए गर्म ऑयल में आपने दो मिनट एक साइड पे इसको कुक करना है और दो मिनट आपने दूसरी साइड से इसकी डो को कुक करना है मेक श्योर sure, आपने इसको बहुत गर्म ऑयल में फ्राई करना है और तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है दो मिनट दोनों साइड से जब कुक हो गई तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और अपनी डो को निकाल लेना है ये बहुत मज़ेदार सी आपकी डो की बेस बनकर रेडी हो चुकी है ये देखें इसके बाद अब आपने इसके ऊपर जो हमने चीज़ सॉस ये देखें ये ठंडी हो चुकी है और ये देखें इसमें आप इलास्टिसिटी देख सकते हैं ये देखें कितना लचकीलापन है अच्छी तरह से वाइट सॉस चीज़ सॉस अप्लाई करनी है अपनी फिलिंग रखनी है और शिमला मिर्च टमाटर और चीज़ सॉस अच्छे से अप्लाई करने थोड़ा सा ऊपर से आपने और स्प्रिंकल करना है और जस्ट पाँच मिनट के लिए आपने इसको पैन में गर्म कर लेने ताकि जो ठंडी हो चुकी थी हमारी डो गर्म हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए तो बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा यूनिक स्टाइल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आई एम श्योर आपको ये यूनिक सी फ्राइड पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें डू ट्राई माई रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़